नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम हरियाणा विशेष में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला में जन विकास रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी है। जन विकास रैली में पंचकुला से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, सांसद रतन लाल कटारिया समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश के सभी 22 जिलों का तेजी से विकास हो और कोई भी जिला विकास के मामले में पीछे ना रहे, हरियाणा की मनोहर सरकार की बस यही कोशिश है। रामनवमी के शुभ अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में जन विकास रैली की, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात देकर विकास कार्यों की छड़ी लगा दी। सीएम मनोहर लाल ने 280 करोड़ की 18 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 588 करोड़ के नए विकास कार्यों की सौगात दी है। इसके अलावा तेजी के साथ विकास के लिए जीएमडीए की तर्ज पर पीएमडीए की शुरुआत की गई है। सीएम ने शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 118 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 45 करोड़, आईटीआई के लिए 18 करोड़ रिजर्व, रायतन के लिए पीएचसी की मंजूरी, पिंजौर बस स्टैंड में बनेगा नाइट फूड बूथ, रिटेनिंग वॉल खग्गर के किनारे कालका के पास बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, पिंजौर कालका में बनेगा अर्बन कॉम्प्लेक्स, एचएमटी में फिल्म सिटी की सौगात, थापली में वेलनेस सेंटर की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेज की योजना और बरवाला को इंडस्ट्रियल एरिया की सौगात दी है, ताकि गुरुग्राम की तरह पंचकुला भी तेजी के साथ विकास की पटरी पर दौड़ सके। ये गुरुग्राम के बराबर बन सकता है, हमने इसका काम शुरू कर दिया है, गुरुग्राम के विकास की नींव रख दी है। और अगर आपने देखा हो तो जैसे गुरुग्राम में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जीएमडीए बनाया, उसी प्रकार से हमने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि पंचकुला में भी पीएमडीए बनाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि उस पीएमडीए की विधिवत शुरुआत ये आज से कर दी गई है। जन विकास रैली में सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 7 साल के विकास कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से कहा कि गरीब परिवारों का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत सरकार इस पर काम कर रही है। सीएम ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों और वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। कोई घर में दुर्घटना हो जाए 2 लाख रुपए का हकदार हो जाता है, कोई बीमार है उसका पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना ये बनाई है, इसमें अभी तक बहुत परिवार नहीं आते थे, सिर्फ 15.5 लाख परिवार हरियाणा के आते थे। हमने कहा नहीं, 1,80,000 से नीचे आज लगभग 28 लाख परिवार है, 15 प्रधानमंत्री जी ने दिए, बाकी 13 लाख परिवारों की जिम्मेवारी ये हमारी है, हम हरियाणा सरकार से वो पैसे देंगे, 5 लाख रुपए तक का बीमा सबका कराएंगे। हमने 13 लाख परिवार को भी जोड़ दिए, धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी 3 लाख तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है, आगे बढ़ेगा। कोई गरीब परिवार उसका फॉर्म जरूर भरवा दीजिए, केवल साइन करके देने का काम ये आपका है, आप करेंगे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला को भी विकास के नाम पर गुरुग्राम के लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सीएम ने अफसोस भी जाहिर किया कि जिस तेजी से पंचकुला का विकास होना चाहिए था पिछली सरकारों की वजह से वो नहीं हो सका, लेकिन अब लगता है कि पंचकुला जिले को भी विकास के पंख लगने वाले हैं, ताकि यहां भी विकास की उड़ान को और भी ऊंचा किया जा सके। पंचकुला से अमित शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। गेहूं की फसल बेचने के लिए लाइनों में लगकर परेशान होने वाले किसानों को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को कोई परेशानी ना आने दें, साथ ही किसानों से भी एक साथ की
बजाय पोर्टल के हिसाब से गेहूं बेचने के लिए आने की अपील की है। साथ ही गेहूं की फसलों में बढ़ती आगजनी को लेकर भी उन्होंने किसानों से सावधानी बरतने को कहा और कहा कि हर जगह फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। जेपी दलाल ने दावा भी किया कि बढ़ती गर्मी में पानी की कमी न हो, इसके लिए दक्षिण हरियाणा में अगले सप्ताह भी नहरों में पानी छोड़ने को कहा है ताकि जल घर तालाब और खेतों में पानी की कमी न रहे। कहीं लाइनें ज़्यादा हैं, लेकिन किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो मंडी की व्यवस्था है, जो हम निमंत्रण दे के बुलाते हैं, उसी तरह से आएं। एक ही दिन में सारे किसान आ जाएंगे तो लाइन लगना स्वाभाविक है। हमारे अधिकारियों से पोर्टल के माध्यम से जो हम निमंत्रण देते हैं उस तरह से आएंगे तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि किसान भाइयों की सेवा में जुट जाएं, कोई उनको समस्या ना आए। मैंने अधिकारियों से बोला है कि हमारे भिवानी ज़िले के अंदर अगले हफ्ते पूरी नहरों में पानी छोड़ें, पीने के पानी की व्यवस्था करें, पशुओं के लिए तालाब, और इस बार गर्मी थोड़ा सा समय से पहले आई है तो उसके लिए पर्याप्त जल की हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दक्षिण हरियाणा के पूरे क्षेत्र में उपलब्ध हो। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गेहूं के एमएसपी पर किसानों को 500 रुपए बोनस देने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते खेती घाटे का सौदा हो गई है। उन्होंने कहा कि आसमान छूती महंगाई ने खेती की लागत को लगभग दोगुना कर दिया है। महंगाई के साथ लगातार किसानों को मौसम की मार का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बार गेहूं के उत्पादन में खासी कमी देखी जा रही है, ऐसे में किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए। SYL को लेकर हुड्डा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि नहर को खोदा जाए, परंतु आज वर्तमान सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेड़ी चौपटा और बालसमंद में चल रहे किसानों के धरने का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को उनकी मांगों का संज्ञान लेते हुए सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। तो गेहूं की जो प्रोडक्शन जो है गैर मौसमी हो गया, ये गर्म मौसम की वजह से बहुत कम यील्ड हो रही है। एक क्विंटल में एक एकड़ में पाँच पाँच सात सात क्विंटल कम आ रही है एवरेज जो है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये पहले होते हुए MSP पे बोनस दें, MSP तो है साथ बोनस भी, कम से कम 500 रुपये क्विंटल जो है बोनस दिया जाए। क्योंकि ऐसा मेरे ख्याल में इतनी कम यील्ड पिछले 25-30 साल में तो मैंने देखी नहीं, एवरेज जो कम आ रही है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, हरियाणा सरकार को जो इनके हाथ में वो तो तुरंत जो है डीजल पे जो वेट है वो एकदम 50% कम करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। महंगाई मध्यम वर्गीय लोग और गरीब आदमियों का जीवन दुर्लभ हो गया, इतनी महंगाई बढ़ रही, इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही। आज पता था मतलब नींबू का भाव इतना हो जाएगा, आप आम आदमी नींबू नहीं ले सकेगा और तो क्या रहेगा। तो महंगाई जो है वो जीवन जो है अस्त व्यस्त कर दिया गरीब आदमियों का और मध्यम वर्गों का। महंगाई पर काबू पाने के लिए पहला कदम तो यह है डीजल का वेट अपनी खत्म कर, जो हरियाणा सरकार के उसमें है, और कदम उठाए जो महंगाई से लोगों को राहत। विधायक नैना चौटाला ने किसानों की गेहूं के बोनस की मांग को उठाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि किसानों का अधिकार है बोनस की मांग, लेकिन महंगाई के साथ साथ फसलों के भाव भी बढ़ रहे हैं, फिर भी आने वाले समय में केंद्र सरकार महंगाई को कम करने पर काम कर रही है। किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं हर तरीके से, और जो मांग उनके MSP वाली हैं वो जो भी उनकी मांग है वो सरकार पूरी कर रही है। बाकी तो ये उनका राइट है कि किस चीज़ के लिए वो धरने पर बैठ रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र है, जहाँ वो बैठना चाहिए वो बैठेंगे। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई तो साथ साथ में फसलों के दाम भी बढ़ रहे हैं,
आप ये सोचो कि कॉटन यहाँ कम होती है, पर हमारी साइड में जैसे कॉटन सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो 11,000 रुपये कॉटन का भाव है। तो महंगाई के साथ साथ सरसों इतनी महंगी बिक रही है, गेहूँ इतनी महंगी, तो महंगाई के साथ साथ फसलों के दाम भी बढ़े हैं। और आने वाले समय में सेंट्रल सरकार लगी हुई है महंगाई भी कम करे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के अद्दो माजरा गांव पर पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना की गई। इस कार्यक्रम का रिबन काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने उद्घाटन किया। अंबाला के अद्दो माजरा गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान को सबसे बड़ा बताया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हिंदुस्तान बिना किसी डर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। दो शब्द की सी बदल दिया तकदीर कौम दी अमल, यही बोलते सच्चाई है कि किसी कौम दिया या समाज दिया तकदीर बदलने वास्ते किसी इस तरह के योद्धा की जरूरत होती है जेड़ा अपना सब कुछ नशावर करके अपना स्वार्थ छड के कौम वास्ते सब कुछ अपना नशावर कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उन्होंने दिनों में शायद हिंदुस्तान के सब तो वध पढ़े लिखे और सूझवान लोगों के शुमार होंगे, और उन्होंने इसे काबिलियत को देखते हुए हिंदुस्तान का विधान बनाने का जिम्मा जोड़ा है वो डॉक्टर साहब को दिता गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने भी माना हिंदुस्तान के संविधान की ताकत का लोहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दूसरे मुल्क की जो सरकार ने वो पाकिस्तान की सरकार दे और पाकिस्तान के विधान के संविधान के दखलअंदाजी कर रही है, ये उन्होंने अपना बयान है। नाल यह भी बयान है कि हिंदुस्तान एक गैरतमंद कौम है, देश है जो दूसरे देशों के दबाव थले अपने हितों का नजरअंदाज करके उन्होंने दबाव बर्दाश्त नहीं करता। ये भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। यह गल मैं अज इतने क्यों कह रही ये दसने वास्ते कि जी निर्भीकता जी आई है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की सरकार के दो गल आई है। एक तो हिंदुस्तान का संविधान जिन्हों बनाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान के लिए सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान ही देश की ताकत हैं। जो मर्जी चले जाओ अनाज जितना होगा सी अच्छा, और मैंने दुख है कि अपने इलाके दी फसलां भी जड़ियां ने कणक दा झाड़ भी अद्धा रह गया, अद्धा झाड़ आया अपना पानी लगिया कुछ भी होया, लेकिन सरकार वल्लों कोई सहायता नहीं हैगी। सरकार वल्लों कोई किसी ने आके होके नहीं कहा कि किसान नूं नुकसान हो रहा है दी मदद करांगे। किसान का नुकसान है अज दे हर कोई किसान सानू समझने की कोशिश है, हर कोई किसान जमीन आला नहीं है। अज कई ने जमीन बटाई तो दिखाई भी है और बटाई आने ने तो पैसे देना ही देना पैना पैसा, चार अद्धा रहे चाहे चौथा हिस्सा रहे, असली मार तो पै जानी कोई बात कोई कोई पाली वालत नहीं, कोई नहीं पूछने आया। ये हालात जेड़े ने इन्होंने सुधारना चाहिए। हमेशा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा समाज को एकजुटता का संदेश देते हैं। इस बार भी उन्होंने बाबा साहेब के उदाहरण देकर एकता के सूत्र में बंधकर सशक्त भारत निर्माण में सहयोग देने की अपील की। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अंबाला के जनसुई गांव में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल अस्पताल की पहल से निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेडिकल कैंप में निशुल्क टेस्ट किए गए। वहीं इस दौरान फर्स्ट इन क्लास के स्टूडेंट को सौगात भी दी गई। 9वीं 10वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों का ऑनलाइन कोचिंग के लिए निशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया। आपको बता दें कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के लिए ये रजिस्ट्रेशन हुआ। अपने पढ़े लिखे बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कराओ बहन जी। हाँ करवा रहे। जनसुई गांव में लगा निशुल्क मेडिकल कैंप। भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के पहली और दूसरी खुराक ले चुके नागरिकों के लिए बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब तक कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा वो बूस्टर डोज ले सकेगा। तीसरी डोज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब मात्र ₹225 का भुगतान करके निजी अस्पतालों में ये बूस्टर डोज मिल सकेगा, जो पहले ₹600 में उपलब्ध था। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की इस ऐतिहासिक खुराक को 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए आज से शुरू कर दिया है। भारत में 83% लोगों ने अब तक पहली और दूसरी डोज ले ली है। आम नागरिकों में बूस्टर डोज को लेकर उत्साह भी है और कोरोना से लड़ने के लिए बूस्टर डोज बेहद जरूरी है, तो 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो ये बूस्टर डोज ले सकते हैं। मैं पिंकी हेरा फर्स्ट लाइन पर करूं और जो गवर्नमेंट ने ये बूस्टर डोज चालू की का काम किया है फ्री निःशुल्क, ये बहुत बढ़िया काम किया है। और जो कोरोना महामारी में मतलब से बचे हैं वो इसी की वजह से हुआ है, और इसलिए हम गवर्नमेंट के लिए ठीक समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके लिए। आज सरकार ने जो बूस्टर डोज की शुरुआत की है वो एक सराहनीय कदम है। सरकार का मैं तहदिल से इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह हमारा टाइम टाइम पर मार्गदर्शन कर करके हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती है और हमें इसके लिए दवाई और अन्य उपकरण मुहैया करवाती है। आज मैं सरकार का इस बूस्टर डोज लगवाने के उस उपलक्ष्य में मैं सरकार का हाथ जोड़कर तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आगे भी सरकार ऐसे कदम उठाती रहे। इंद्री के कमालपुल रोडान में 4 साल के बच्चे की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने आरोपी चाची को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चाची ने 4 साल के जश की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को छत पर फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस ने परिवार के कई सदस्यों से भी गहन पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले 4 साल का जश्न अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद उसका शव 6 अप्रैल को बरामद हुआ था। परिजन लगातार पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो यहां पर मासूम के हत्या के मामले में उसकी चाची को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है। अब बता दें एक हफ्ते पहले ही जश का अपहरण हुआ था, जिसके 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल को उसका शव छत पर मिला था, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि चाची ने ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को छत पर फेंक दिया था। कोर्ट ने आरोपी चाची को 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। तो हरियाणा विशेष में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। We'll be right back.